कल शाम से फायरिंग चल रही है, उधर से तालिबान वाला चला रहा है सब, इधर से पाकिस्तान वाला। तालिबान वाला कह रहा है कि ये एरिया हमारा है, किससे पूछ के अंग्रेजों ने विभाजन किया था, हमरा से तो पूछ भी नहीं किया था। यहाँ पे पाकिस्तान परेशान है यार, कैसा आदमी मिला है सब। आप युद्ध में टैंकों के लेके ईरान से लड़ने चल गया था सब। ये बकलोलन को पता नहीं है कि ईरान को कहीं से उठ के नहीं आना है, ईरान को बगले में मारना है, मार देगा ईरान इन लोग को, समझे। किसी से भी लड़ना चाहता है सब यहाँ पर, बिना मतलब का, खाली लड़ाइए के लिए तैयार रहता है। जाइएगा, अच्छा मिलने आए हैं, भारत की बहुत रेस्पेक्ट करता है सब वहाँ पर। भारत ने उनको अनाज देता है, भारत दवाइयाँ देता है, हॉस्पिटल देता है, एजुकेशन वगैरह तो चाहिए नहीं उन लोग को, नहीं तो एजुकेशन भी देता भारत। हाँ, वहाँ भी एक सेंटर खोल देते काबुल, वहाँ खोलते केजीएस, अगर खोलते तो हमको घेर लेता सर, कहता सर इसका नाम रहेगा काबुल जीएस, काबुल जनरल स्टडीज, कहेगा ना खान ग्लोबल स्टडीज नहीं चलेगा, क्या चलेगा काबुल जनरल। मंजूर है, ए घेर लो जी। हाँ भैया मंजूर है। उन सब का एकदम फंडा क्लियर है, हमारा एरिया है, हमारे हिसाब से चलो। हम लोग से अफगानिस्तान वालों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कहाँ कोई तकलीफ पहुँचाते हैं अफगानिस्तान, ये ना बर्बाद करता। अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए जमीन कौन दिया था, पाकिस्तान दिया था, वही जमीन दिया था अपना एयरफोर्स लिया, ईरान तो दिया नहीं, जमीन कौन दिया, पाकिस्तान दिया था। बदले में अफगानिस्तान ने क्या दिया, अफगानिस्तान से हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट ज़्यादा आते हैं, बदले में अफगानिस्तान हमें ये दिया कि वो पाकिस्तान का मन बढ़ने नहीं दिया, समझ आ गया, हमारे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, समझे, बस यही काम है। आप इंटरनेशनल रिलेशन में सोच समझ के रखना है। आगे बढ़ जाए, ये एशिया वाला नक्शा तो हो गया,